टू माय चैनल क्लिडनिट्स। आज हम बनाना सीखेंगे पॉम्पम, पॉम्पम मेकर के बगैर। बहुत सारी लेडीज़ ने मुझे कहा कि आपने पॉम्पम मेकर के साथ पॉम्पम बनाना सिखाया है, बट हमारे पास पॉम्पम मेकर नहीं है और कोई आसान तरीका बताएं। क्योंकि पॉम्पम बहुत अच्छे लगते हैं केप्स के लिए, ब्लैंकेट्स के लिए, आप किसी भी चीज़ पर लगा सकते हैं डेकोरेशन के लिए पॉम्पम्स। एंड वाकई ज़रूरी नहीं है कि किसी के पास पॉम्पम मेकर अवेलेबल हो, मेरे पास भी पहले नहीं था। तो मैं जो पहले तरीका यूज़ करती थी, बहुत ही आसान तरीका है। आपको सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, ऊन और सिज़र्स, तेज़ होनी चाहिए, शार्प। सिर्फ दो चीज़ें आपको चाहिए और कोई भी टूल नहीं चाहिए हेल्प के लिए आपको। जस्ट आपने धागा लेना है, जिस भी कलर का आप पॉम्पम बनाना चाह रहे हैं आप धागा लेंगे उसका, और अपने हाथ पे लपेटना शुरू करेंगे। कोशिश करके ज़्यादा टाइट ना कीजिएगा, पहले आप एक लाइन बनाएंगे फिर उसके ऊपर दूसरी। फिर आपने लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इसी तरह करके उतना धागा लपेट लेना है जितना थिक आपको या मोटा बड़ा पॉम्पम आपको चाहिए। यहाँ पे हमने काफ़ी धागा लपेट लिया है, आप जितना भी लपेटना चाहें आप पहले प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। अब आपने धागा काटना है। धागा काट लेने के बाद आप चार उंगलियों से इसे उतार के दो उंगलियों पे कर लेंगे। अब ये जो एक धागा है आपने यहाँ से निकाल लेना है, इसको आप बराबर कर लीजिएगा ताकि कोई भी धागा आगे पीछे ना हो। टाइटली इसे आपने खींच लेना है और फिर से इसके ऊपर लपेट लेना है और फिर से टाइटली से खींच लेना है। इसी तरह आपने चार पांच दफ़ा इसी तरह कर लेना है, उसके बाद आपने इसको सिक्योर कर लेना है। सिक्योर हम कैसे करेंगे, इसके ऊपर एक राउंड, दो। अब आपने टाइटली से खींच लेना है। एक दफा और आपने इसको सिक्योर कर लेना। जितना आप ज़्यादा सिक्योर करेंगे उतना ज़्यादा। ये जो आपने धागा इधर से काट के इसके साथ नॉट लगाया है, ये आप उतार के नहीं कर सकते, आपने इसी के ऊपर ही करना है। यहाँ पे हमने सिक्योर कर लिया, अब आप इसे उतार लेंगे। उतार लिया आपने, अब धागा लेंगे आप एक और, और इसके ऊपर
बराबर करके नॉट लगा लेंगे। ये धागा इसलिए कि आप अगर कीचेन बनाना चाह रहे हैं या किसी चीज़ पे सीना चाह रहे हैं, रग पे, ब्लैंकेट पे या कैप पे, किसी भी चीज़ पे, तो आप आसानी से इसकी हेल्प से अटैच कर सकें। बहुत ही टाइटली आपने इसको टाइट कर देना है, क्योंकि जितना भी गैप हो इनके बीच में उंगलियों से उतारने के बाद, वो भी कवर हो जाए। फिर से एक दफ़ा रैप करके आपने इसे टाइटली खींच लेना है। फिर से आपने एक दफ़ा रैप करके नॉट लगाना है, टाइटली खींच लेना है। इससे आपका पोम जो है वो सिक्योर हो जाएगा। आखिर में आपने तीन चार जो है वो नॉट लगा देने हैं। अब आपने सिर्फ साइडों से ऐसे काट लेना है। आप सीजर ले लें, कोशिश करके इसको थोड़ा ऊपर बराबर कर लें ताकि धागे लाइन से कटें। आप देखते जाएं कि जो भी छोटे बड़े धागे हों आप अच्छे से काट लें। पॉम्पम मेकर से अगर आप पॉम्पम बनाना चाह रहे हैं या आपके पास अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, उससे टाइम और ऊन आपकी बच जाती है। बट नहीं है तो ये बहुत अच्छा और आसान तरीका है। बहुत ही आप देख लें कि आपने सारे धागे काट लिए हैं। अब आपने क्या करना है, ये वाली साइड काटने से पहले आपने इनको बराबर कर लेना है, ट्रिम कर लेना है इस तरह से। पकड़ के आपने ये जो एक साइड आपने काटी है, आप बराबर कर लें। ये मैं टेक्निक पॉम्पम मेकर खरीदने से पहले यूज करती थी। और बहुत ही हेल्पफुल है। इसके लिए आपको किसी भी राउंड या स्ट्रेट कार्डबोर्ड की, स्पून की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट ऊन और सीजर्स, टू थिंग्स, एक बॉल या थोड़ी सी ऊन भी काफ़ी आपके लिए। डबल करने की भी ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा और आप देख लें, दूसरी तरफ से भी ट्रिम कर लें ताकि इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए। आप तब तक ट्रिम करते हैं अपने पॉम्पम को जब तक आप सेटिस्फाई ना हो जाएं इसके शेप से। अब आपने इस साइड को थोड़ा सा ट्रिम कर लिया है, काफ़ी। अब आपने ये धागे इस तरफ करने हैं, काटे नहीं हैं साथ में। अब यहाँ से आपने दूसरी साइड बराबर करके काट लेनी है। आपने देखना है आपने सब धागे काटे हैं बराबर। ठीक है, अब आपने ये साइड भी
ट्रिम कर लेनी है। यहाँ तक राउंड में आपने देखना है कि आपने उतना इसे ट्रिम करना है जितना हमने उस साइड से किया था। कोई धागा अगर बराबर ना हो तो उसे बराबर कर लें। बहुत ही आसान तरीका है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। एंड किसी भी चीज़ पे लगाने से पहले आप चाहें तो इसकी प्रैक्टिस कर लें। आप दूसरी साइड से अब पूरे राउंड पॉम्पॉम को आप देख लें कि हमारा ट्रिम हो गया है। अब आपने थोड़ा इसे शेक करना है, हिला लेना है। हिलाने के बाद आपने अब देखना है कि ऊपर से कहां से आपने इसको ट्रिम करना है। जो भी एक्स्ट्रा धागे हों, बड़ी बड़ी आपको लगें कि ट्रिम करना है, यहाँ से शेप देना है। आप शेक कर लें और ट्रिम कर लें। आप तब तक ट्रिम करें जब तक आप सेटिस्फाई हो जाएं। ये हमारा पॉम्पॉम तैयार हो गया है। आप किसी भी चीज़ पे इसे लगा के देख सकते हैं। ये हमारा जो पॉम्पॉम बना हुआ है, ये पॉम्पॉम मेकर से बना हुआ है, जो मैंने आपको पिछली दफ़ा बना के दिखाया था पॉम्पॉम मेकर से। आप उसकी वीडियो भी देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। पर अगर आपके पास नहीं है तो इससे भी कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहुत अच्छा लगता है ये भी। तो आप कितने भी पॉम्पॉम चाहें बना लें, उनका रग बनाएं, चाहे कुछ भी बनाएं, ज़रूर शेयर कीजिएगा, बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।